इनलो पार्टी 50 साल का राजनीति कर दी है, एक गिलास पानी नहीं लाई। भूपेंद्र हुड्डा साहब कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक लोटा पानी भी नहीं आया। कोई अपने दादाजी नाम की खा रहा है, समझ गए ना, दादा के नाम से, कोई अपने बाप के नाम से खा रहा है, कोई किस्से के नाम से खा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा साहब खा गए, अब हुड्डा साहब भी बाहर है, जीजा जी बीजेपी का फूफा जी बना हुआ है। 2011 की आईएससी मूवमेंट के बाद निकली आम आदमी पार्टी ने काफी कम समय में बहुत कुछ देख लिया। पहले 49 दिनों की सरकार, मुख्यमंत्री का इस्तीफा, इसके बाद सदस्यों का एक एक करके निकलना या फिर निकाला जाना। आम आदमी पार्टी अपने निर्माण के समय में जैसी थी, उससे काफी ज्यादा बदलाव इस पार्टी में अब तक देखने को मिला है। इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि हरियाणा के 90 विधानसभाओं सीट पर यह पार्टी चुनाव लड़ेगी। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर नवीन जय हिंद जी। लगभग 10 वर्षों तक छात्र राजनीति को सुपुर्द कर देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जय हिंद क्वालिफिकेशन वाइज पीएचडी होल्डर है और अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा करीबी बताए जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और जो पहला सवाल हम पूछना चाहेंगे वो जो ताजा मौजू है उस पर आधारित है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की काफी चर्चा चल रही है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, नवीन जय हिंद द एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन या फिर काफी पहले से आपने ये सोचा समझा, ये आपका फैसला था राजनीति में पैर जमाने का? नहीं, ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा हरियाणा का मुख्यमंत्री भी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है। राजनीति में अगर आना होता तो मैं एमडी यूनिवर्सिटी में जब छात्र राजनीति करते थे तो यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे जी, तो उनके साथ जुड़ जाते या दूसरी पार्टियों के साथ किसी न किसी के साथ जुड़ जाते। हम अब भी मैं पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूँ। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है, आज भी वो आंदोलन है। जिस दिन पार्टी हो जाएगी उस दिन हम क्या करेंगे? तो सीधी बात है भाई साहब, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है और उस पार्टी में काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियन अब आप कहो एक्सीडेंटल, तो वो मैं मान सकता हूं कि राजनीति माने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन सर, आंदोलन से जब पार्टी में तब्दीली आई तो बहुत से रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, कहीं ना कहीं जो राजनीति का ककहरा है, जो राजनीति की जो रूल्स हैं वो आम आदमी पार्टी ने भी फॉलो किया, जिसके कारण बहुत से सदस्य आए गए, ये सारा कुछ आम आदमी पार्टी ने देखा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के दौरान बहुत से लोग जुड़े थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे। और जब अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं और सारे लोग मिलजुल के एक आंदोलन चलाया था, कुछ लोग आंदोलन के बाद पार्टी जब बनी तो पार्टी में आए गए। अब पार्टी में सबको जरूरी नहीं है, सबका अपना एक सपना होता है, सबका अपना एक विजन होता होगा, सबका अपना एक उद्देश्य होता है, सबका इंटरेस्ट होता है। तो भाई जिसका जो इंटरेस्ट था वो आया अपना, वो तो सबकी अपनी पर्सनल है ना कि भाई कब किसको कितने दिन काम करना है नहीं करना है जी। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी के अंदर काम करना इतने तो दिन सर, जो सदस्य निकले, जैसे योगेंद्र यादव की बात करें हम, कुमार विश्वास की बात करें, प्रशांत भूषण जी की बात करें, तो क्या आपको लगता है इन लोगों की निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण ही ये लोग पार्टी से निकले? कुछ भी महत्वाकांक्षा हो सकती है भाई साहब, मैंने थोड़ी निकाले हैं जी जी, किसी एक आदमी ने थोड़ी निकाले हैं, निकाला कोई किसी ने नहीं है, अपने आप ही चले गए। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबका अपना तोड़ तरीका है जी, तो उसमें तो कुछ भी नहीं कह सकते ना कि जब मतलब जो आदमी जब काम कर रहे थे तो काम कर रहे थे, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे। सर, हरियाणा विधानसभा चुनावों की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया है कि आप लोग पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जातीय समीकरण जो है वो किसी भी अन्य मुद्दों से ज्यादा हावी रहते हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है यदि हम हरियाणा के चुनावों की बात करें? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हरियाणा के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं जी, सीबीआई है यहाँ पे। अब सीबीआई मतलब सी से कांग्रेस, बी से बीजेपी, आई से इन लोग, इनकी राजनीति जाति के इर्द गिर्द, अक्षेत्र के इर्द गिर्द, परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। आम आदमी पार्टी के साथ आने का मकसद है काम जनता के, आम आदमी के काम, नहीं तो फिर सीबीआई है। अगर जात बरादरी धर्म क्षेत्र की बात करनी है, उसके ऊपर लड़ना मरना है, तो फिर सीबीआई तो बड़ी ऑप्शन क्या है? आपने सर मुद्दों की बात की और कहा कि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, आपने किसानों की चर्चा की, अगर हम हरियाणा की बात करें बल्कि पूरे राष्ट्र में, योगेंद्र यादव जो पहले आम आदमी पार्टी में थे और पार्टी से निकल गए, अगर मुद्दों की बात करें तो योगेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वराज इंडिया किसानों को लेकर बहुत सारा काम कर रही है और बहुत ग्रास रूट पे एक जगह भी बनाई है, मीडिया में भी चर्चा होता रहता है। तो मुद्दों की राजनीति की यदि बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति को देखते हुए किसानों के हक में योगेंद्र यादव का समर्थन करेगी?
भाई साहब कांग्रेस के लिए काम करना किसानों के लिए काम करना नहीं होता, पहली बात। ठीक है, किसानों के लिए काम जिस तरह से दिल्ली सरकार ने कराया है जी, जितने किसान दिल्ली के अंदर हैं जी, तो मेरे ख्याल में भाई साहब नहीं कराया होगा किसी ने। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह किसानों की आवाज उठाई है, कौन उठा रहा है भाई साहब? हाँ, किसानों को मजबूत बनाना, किसान वोट बैंक नहीं है, समस्या ये है जी, सारी पार्टियों के लिए, क्योंकि किसान हो गया तो किसानों के लिए किसी भी सरकार ने काम कराया नहीं ना भाई। चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, किसान के नाम से वोट खाएंगे ये, गाय के नाम से वोट खा लेंगे ये, लेकिन काम नहीं करेंगे। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो किसान खाना खिलाता है हमारे को, हम भी किसान के बालक है भाई, हम किसान जो अपना मतलब खुद भूखा है, देश का पेट पाला है, तो ये सरकारों का शुरू से ही किसानों के प्रति उदासीन रवैया रहा है। तो सर हरियाणा के जो किसान है वो क्या उम्मीद करें आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से ये उम्मीद कर सकते हैं भाई साहब कि हरियाणा का किसान खुशहाल होगा जी, हरियाणा के किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी जी। कर्ज माफी पे क्या स्टैंड है सर? कर्ज माफी, जब एक बात बताओ ना, 4 लाख करोड़ कदे 3 लाख करोड़ कभी 2.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हो सकते हैं, किसानों का कर्ज माफ करने में क्या समस्या है भाई? तो क्या हरियाणा के किसानों के लिए आपको ये ऐसी अनाउंसमेंट करना चाहिए? हम तो पहले भी कह रहे हैं जी कि किसानों का जो अनाप शनाप बैंकों का कर्ज है उसको माफ करना चाहिए। ठीक सर, हम मुद्दों की राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो SYL एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब में जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो कैंपेनिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा, तो क्या आपको लगता है उस बयान का कोई नकारात्मक असर हरियाणा विधानसभा चुनावों में आप लोगों को देखने को मिलेगा? दिखाओ कहाँ गया है बताओ आप। उन्होंने कहा भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। उन्होंने ये कहा था कि पानी चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, जिसकी जितनी जरूरत है उसको मिलना चाहिए, चाहे दिल्ली हो कहीं का भी हो जी। हवा पे और पानी पे किसी का कब्जा थोड़ी हो सकता है, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो भाई साहब 5 साल पुरानी पार्टी है, छोटे बच्चे तो हैं जी। SYL के ऊपर हरियाणा के अंदर इतनी राजनीति होती है, इनलो पार्टी 50 साल तक राजनीति कर रही है, एक गिलास पानी नहीं लाए जी। बादल साहब के साथ बैठ कर चाह पीवे हैं, बात पानी की कर रहे हैं, सारे बिजनेस इकट्ठे कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा साहब कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक लोटा पानी भी नहीं आया, अब कहते हैं मैं पानी ले आऊंगा। देखिए SYL के ऊपर राजनीति की गई है, और सही बात यह है, चाहे पंजाब वाले करें राजनीति चाहे हरियाणा वाले करें, सही बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो लागू होना चाहिए जी। क्योंकि जब आपसी भाईचारे से कोई समझौता नहीं होता तो पंचायत से नहीं होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी पंचायत है, वो जो फैसला करेगी वो मान्य होगा। क्या आपको लगता है सर हरियाणा का दिल्ली के पास में होने का कोई एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है जिसने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बड़ा अकल्पनीय काम किया है, तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा हरियाणा के चुनाव में? देखिए वो तो बिल्कुल, कई लाख लोग हरियाणा से कई लाख लोग दिल्ली में जाते हैं, और दिल्ली के अंदर जब लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई किस तरह से इतने स्कूल बढ़िया बना दिए जी। आज दी तनखा भाई साहब स्कूलों में फी बालक की फीस भरने में जावा है बिल्कुल सर, और बीमार कोई हो जाए तो प्राइवेट में जाना पड़ जाए तो कर्जा लेना पड़ा है। दिल्ली के अंदर आप 10 लाख रुपए भी अगर आपके ऊपर खर्च होंगे तो 10 रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। ये काम आदमी को क्या चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल चाहिए। जब वो हरियाणा के लोग दिल्ली के बुजुर्गों से बात करते हैं 2500 बुढ़ापा पेंशन मिलती है, हरियाणा के मजदूर जब दिल्ली के मजदूरों से बात करते हैं तो 14000 मिनिमम वेज है, तो दिल्ली के अंदर तो ये तब दिए हैं भाई साहब ये काम जो करे है ना, जब मोदी जी ने फांसी दे रखी है हमारा है, वह जो फांसी दे रखी है उसके बावजूद ये काम करा है। अगर हमारे को ओपन काम करने के लिए मिल जाता तो पता नहीं दिल्ली कितनी आगे और जाती। तो दिल्ली तो सर पूर्ण राज्य का, उस पर विवाद चलता रहता है, हरियाणा एक पूर्ण राज्य होगा अगर आपकी सरकार आती है, तो क्या आपको लगता है कि आप दिल्ली में जो काम किए गए हैं उसको कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा बढ़कर काम आप हरियाणा के लिए कर सकें? भाई साहब हम तो लोग एक बात कहे हैं जी, अगर भाई सारी पार्टियां इस मौका दे लिया, CBI कांग्रेस बीजेपी सब तो मौका दे लिया जी, एक मौका देके दिखा दो, एक मौका देंगे हरियाणा के लोग जी, एक मौका मिल गया ना भाई साहब ये दिखाऊंगे कि राज कैसे होता है और काम कैसे होते हैं, हम तो ये कह सकते हैं। सर दिल्ली के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें जो हिस्टोरिक विन हुई थी 67 सीटों के साथ, उससे पहले जब 49 दिनों की सरकार रही थी उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, युवाओं का काफी इन्वॉल्वमेंट था, आपको क्या लगता है हरियाणा में युवाओं का जो इंक्लिनेशन है वो किस तरफ रहेगा? देखिए हरियाणा के अंदर भी युवा ही बदलेंगे भाई साहब जी, दिल्ली में युवाओं ने बदला था, देश युवाओं ने बदला, मोदी जी को वोट दी, मोदी जी ने धोखा दिया, दिल्ली के अंदर युवाओं ने बदला,
अरविंद केजरीवाल जी को बनाए मुख्यमंत्री, दिल्ली के अंदर जो काम कही थी वो करके दिखाए, और हरियाणा में भी हम यही कह रहे हैं। युवा तो सबसे ज्यादा परेशान है भाई साहब, और युवा ही बदलेगा, और हमने पूरी आस है और हमें तो भरोसा भाई साहब, हरियाणा के युवा हरियाणा ने बतलाएंगे। लेकिन सर, दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दिग्विजय चौटाला, इन सभी की मौजूदगी के बीच क्या आपको लगता है युवाओं का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी? क्योंकि जो नाम मैंने लिए उनका युवाओं में बहुत अच्छा अपील है। भाई साहब, कोई अपने दादा के नाम की खा रहा है, समझ गए ना, अब दादा के नाम से, कोई अपने बाप के नाम से खा रहा है, कोई किस्से के नाम से खा रहा है। आम आदमी वाले अपने दम पर खा रहे हैं, अपने आप कुआं खोदे हैं, ठीक है ना, तब पानी पियो हैं। कौन किसका भाई साहब, अच्छी बात करो, हम किससे कम हैं? किससे तो कम नहीं है, कोई पढ़ने लिखण में कम हो जी सर, कोई खेलने कूदने में कम हो, कोई समझदारी में कम हो। मतलब मेरा तो दादा भाई फौजी था, ये मैं फौजी के नाम पे तो क्या वोट लूंगा, बताओ, आप सोच के देखो ना। तो ये गलत फहमी है जिसको भी है, हरियाणा के नौजवान है वो कति परेशान हो बैठे हैं। अरे न किसी ने भला करना होता हरियाणा के नौजवानों का तो कर लेते भाई साहब। हरियाणा की जो राजनीति है, जो खानदानी राजनीति है, 15-20 जो परिवार है ना, वो हरियाणा का बेवकूफ बना रहे हैं। हम तो लोगों को यही तो कह रहे हैं जी, आखिर अपने घर बनाने हैं, कुछ नहीं। एक बात, कोई अमरीका तो पढ़ा हुआ, कोई इंग्लैंड तो पढ़ा, कोई कितने पढ़ा, हम तो MD उधर तक पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं, हमने बेरा है ना सारी चीजा का। ये भाई मारा बाबू मतलब MLA MP को ना था, और कुछ नहीं था, इसमें हमारी कोई गलती है नहीं। आपने सर वंशवाद की बात की, आपने कहा कि कोई दादा के नाम पे खा रहा है या फिर कोई अपने फादर साहब के नाम पे खा रहा है। मैं जानना चाहूंगा आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस चेहरे के बल पर लड़ने वाली है? आम आदमी का चेहरा भाई साहब मुद्दे चेहरा है, हरियाणा के अंदर आम आदमी के लिए मुद्दे चेहरा है, आम आदमी चेहरा, हर आम आदमी जो दुखी है इस सिस्टम से वो आम आदमी पार्टी का चेहरा है भाई साहब। सर, अगर मान लेते हैं आपकी सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है हरियाणा में, तो हरियाणा के लोगों को किस तरह का गवर्नेंस आप देंगे? दिल्ली से अलग हरियाणा के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, दिल्ली की समस्याएं और जो हरियाणा की समस्याएं हैं वो सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है उन समस्याओं में। क्योंकि जिस तरह से बिजली है, बिजली हरियाणा में आती है कौन है भाई साहब, और इतनी महंगी है। पानी की समस्या ऐसे ही है, महिलाएं क्या कितनी दूर दूर तक जाकर पानी लेकर आना पड़ा है, सेम समस्या है। बेरोजगारी की समस्या है, जब दिल्ली सरकार बेरोजगारी के लिए रोजगार मेले लगास कहे, ये सरकार तो लगाती है नहीं जी, ये समस्या सारी सेम है। अब एक मोटी ही बात बताऊं मैं, एक बेरोजगारी का इशू है जी। ग्रुप डी का पेपर ले हैं, ISIPS लेवल का पेपर देते हैं भाई साहब, 20 लाख नौजवानों ने फार्म भरा, 20 लाख नौजवानों ने उस पेपर ने मुख्यमंत्री पास करके दिखा दो, सारा मंत्रिमंडल ने एक बैठकर नकल मारकर भी अगर पास कर देते हैं, क्यों करे, क्यों दिया ऐसा पेपर? क्योंकि वो पास होना कोई कोर्ट में चला जाएगा, अरे सेंटर दे किसी का 250 ला रहे, मतलब इतनी बहने हैं वो भी जावे हैं आवे हैं, इतनी दूर दूर करे, तो बेरोजगारों के साथ हरियाणा के अंदर मजाक किया जा रहा है। इन्होंने कहा था हम 1 लाख नौकरी देंगे जी। मैं इनको ये कह रहा हूं, दो चीज कह रहा हूं जी। भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने 1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा कर रखा है जी। मुख्यमंत्री साहब या इनका कोई भी मंत्री खट्टर साहब का अपने मैनिफेस्टो को जनता के बीच में पढ़ के दिखा दे, जो 2014 में इन्होंने कहा था 1 लाख रुपए महंगाई का जमाना भाई साहब, थोड़े हैं 1 लाख रुपए लेने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। हम ये कहे पेपर ना पास करके दिखा दो, 1 लाख रुपया नाम दे देंगे जी। उसने भी नहीं पास करते। तो हरियाणा के अंदर जो मुद्दे हैं और दिल्ली के जो मुद्दे थे वो सारे सेम है। तो सर, जिस तरह की प्लानिंग आप बता रहे हैं हरियाणा के लिए, अगर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे इलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको किसी पार्टी के साथ आना पड़े, यदि गठबंधन करना पड़े, तो क्या आप खुले हैं उस गठबंधन के लिए? और अगर हैं तो किन के साथ आप गठबंधन कर सकते हैं, साथ आ सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का गठबंधन भाई साहब सीधी बात है आम आदमी के साथ है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि गठबंधन की जहां तक बात है, आम आदमी पार्टी ने तय कर रखा, दिल्ली के अंदर जब गठबंधन की सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस वालों ने काम नहीं करने दिया तो रिजाइन दिया, चपरासी की नौकरी भी कोई रिजाइन नहीं देता, मुख्यमंत्री ने रिजाइन दिया था भाई साहब। अब आम आदमी पार्टी का तो एक चमत्कारी पार्टी है भाई साहब, के तो सरकार आओगी के विपक्ष में आओगी के भाई जो होगा ऊपर वाला, हमारा तो काम संघर्ष करना है जी। तो गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ा, हरियाणा के लोग तैयार बैठे हैं, सरकार बनाएगी भाई साहब। सर, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के कारण मोतिहारी के एक प्रोफेसर की पिटाई हुई, उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, तो सोशल मीडिया पर जो लिखने की आजादी है उसको उस पर हरण लग रहा है। देखिए, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल BJP ने किया जी। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अफवाह फैलाने की मास्टरमाइंड BJP है जी।
अब हरियाणा में क्या हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अखबार में ऐड दिया कि पंजाबी मुख्यमंत्री के ऊपर आन बान शान आ गई है। अरे यार, कोई मुख्यमंत्री एक जात का होता है क्या? और पंजाबी वाले भी कुछ नहीं कर रखे इस आदमी ने, ऐड दे रखा, ऐड दिया, फिर अखबार में खबर आई कि मैं पंजाबी, मेरे को वोट दे दो पंजाबी जी। अब भाई ये तो गलत बात है ना। लेकिन वो जब वही चीज एक किसी ने जो बना क्या नाम, एक न्यूज थी, वह न्यूज शेयर कर दी हमारे कार्यकर्ताओं ने जी। रात को 1 बजे भाई साहब AK-47 लेकर उनके घरों में पुलिस गई है और उनको रात को उठा के लाई है। अभी हमारा उनको जमानत मिली है, अभी हमारा जिला अध्यक्ष बोला इसने एक वीडियो जारी कर दी, उस पर उठा लिया जी। खट्टर साहब फेसबुक को भी फेस नहीं कर सकते, व्हाट्सएप से डरे हुए हैं। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश में नेतृत्व की लड़ाई से जूझ रही है कांग्रेस। इनेलो पार्टी जो है उसमें अलगाव अंतिम परिणति को प्राप्त हो गई, पार्टी टूट गई। ऐसे में क्या संभावनाएं जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर आपको कितने प्रतिशत लगती है, क्या लगता है आपको? कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो भाई साहब आप? हुड्डा कांग्रेस, तवर कांग्रेस, सैलजा कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस, किरण चौधरी कांग्रेस, फलाना दिकड़ा, ट्रम से ट्रम, 20 डाली कांग्रेस है जी। हरियाणा के लोग जान चुके हैं, ये सारे मुख्यमंत्री बनता ही तैयार बैठे हैं जी। आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है, मुद्दे मुद्दा है जी। सबको पता है 10 साल राज करा था, CLU के नाम पर सरकार थी, SCZ के नाम पर हजारों एकड़ जमीन किसानों की ली गई कि यहां रोजगार दिया जाएगा। बताए तो कितने रोजगार मिले हैं। तो भाई साहब कांग्रेस कौन सी कांग्रेस, हरियाणा के लोग भूले थोड़ी है कांग्रेस को जी। और जो इन लोगों की बात है तो खत्म हो रही है, उसमें क्यों रहा है, रहा है कुछ है ही नहीं जी। एक बार फिर से सर मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसके पास जाना चाहूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान आपकी जीत का एक महत्वपूर्ण जो कारण था वो एग्रेसिव कैंपेनिंग थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग काफी ज्यादा की थी आम आदमी पार्टी ने। तो क्या हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस तरह के कैंपेनिंग का कोई इरादा है, एग्रेसिव कैंपेनिंग जिसे हम देखिए? आम आदमी पार्टी के पास जितने संसाधन है उसके हिसाब से अब आम आदमी पार्टी इसी उसमें नए साल से अभी शुरू कर रही है डोर टू डोर कैंपेन जी। घर घर जाएंगे हम, लोगों को जाकर बताएंगे, समझाएंगे कि भाई CBI को उखाड़ के फेंकना है, ठीक है, क्योंकि स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, इनसे कोई लेना देना नहीं है जी। तो डोर टू डोर कैंपेन होगा और एग्रेसिव कैंपेन में तो और कैसे कहूं भाई साहब, जब हमारे कार्यकर्ताओं के ट्वीट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर कुछ डालने से जब हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया जाता है तो सरकार तो डर रही है ना जी। और सरकार डर रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ भाई उनको तो नहीं पकड़ते, दूसरों को, किसी को, ये किसी को नहीं पकड़ते, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी पे टारगेट कर रहे हैं। ये कहते थे, इन्होंने कहा जब चुनाव था, रॉबर्ट वडेरा जीजाजी की सरकार जी, जीजाजी खा गया, ये खा गया, भूपेंद्र हुड्डा साहब खा गए, अब हुड्डा साहब भी बाहर हैं, जीजाजी बीजेपी का फूफा जी बना हुआ है जी। तो अब भाई साहब क्या कर सकते हैं बताओ, हमारे हमने पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं, हमारे तो क्या होगा, हमारे हमने कुछ ना खा पी रखा, हमारे तो कोई लेना ना देना ना, हमारा क्या करोगे। लेकिन इन टारगेट जो है वो टारगेट आम आदमी पार्टी है, क्योंकि इनको पता है आम आदमी पार्टी हरा सकती है इनको, कांग्रेस और इन लोग उसके कौन है भाई साहब ये। ठीक है सर, चलते चलते मैं चाहूंगा अपने वोटर्स से आप जो भी अपील करना चाहें, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है हरियाणा के वोटर्स से? देखिए संदेश ये है जी, जाति पाति धर्म क्षेत्र के नाम पर बीजेपी और ये पार्टियां जो लोगों को बेवकूफ बना रही हैं, ये हमारे को नहीं बनना है। सारी पार्टी देख ली, एक मौका आम आदमी पार्टी तभी भाई साहब देना चाहिए, हमने कोई पाप नहीं कर रखा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर नवीन जैन, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों और जो ताजा घटनाक्रम देश में चल रहे हैं उन पर बेबाक राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मॉडरेटर सर।